जो पर्यावरण दिवस के अवसर पर मैं सभी हिमाचल वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और हिमाचल प्रदेश ने पर्यावरण के संरक्षण के दृष्टि से अनेक कदम उठाए हैं। प्लास्टिक को बंद करना, बैन करना शुरुआत हुई और कठिन दौर था, लेकिन उसके बावजूद सफल हुए काफ़ी हद तक हम उसमें। और उसके बाद आगे बढ़ करके हमारी सरकार ने वर्तमान में अभी और भी हमने निर्णय लिया, जैसे जो हमारे थर्मोकोल के जो हमारी प्लेट्स कप का जो प्रचलन होता था, खासतौर से जो सोशल गैदरिंग्स होती थी, शादियां होती थी, जो बड़े फंक्शन होते तो बड़ा उसका इस्तेमाल होता था, उस पर भी रोक लगाई। वो एक अलग से कदम हमने उठाया और उसकी जगह पत्ते और दूने इस प्रकार से जो है हमने उनको प्रमोट किया, और उससे हमारी पर्यावरण का संरक्षण के साथ साथ में जो है स्थानीय स्तर पर भी जो है ग्रामीण क्षेत्रों में जो महिलाएं हैं और उसके साथ साथ में जुड़े जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उनको भी एक आय के एक जरिया हुआ। तो उस दृष्टि से देखिए, हिमाचल भले ही छोटा प्रदेश है, लेकिन उसके बावजूद छोटा प्रदेश होने के बावजूद जो है पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से हमने बहुत बेहतर काम किए हैं, लेकिन और ज़्यादा बेहतर करने की ज़रूरत है। लॉकडाउन और कर्फ्यू काल में कोरोना के बीच में पर्यावरण को जरूर फायदा हुआ है, क्या ऐसी कोई रिपोर्ट्स हैं कि हिमाचल प्रदेश? निश्चित रूप से देखिए, इस बात को लेकर के रिपोर्ट्स के हिसाब से तो अभी तक हमने एसेस नहीं किया इसको, लेकिन मैं अपने ही यहाँ से देखता हूँ, अपने ही निवास से देखता हूँ, जो पहाड़ कभी दिखते नहीं थे तो उन पहाड़ों को आज हम अपनी नंगी आंख से देख सीधे देख सकते हैं जो नज़र आने लगे, क्योंकि पर्यावरण लॉकडाउन के कारण जो है वो निश्चित रूप से उसका लाभ हुआ, पर्यावरण के क्षेत्र में लाभ हुआ, क्योंकि पॉल्यूशन बहुत कम हुआ था। सर, प्लास्टिक से सड़क बनाने का भी एक कॉन्सेप्ट शुरू हुआ था, कितना सफल रहा खरीद को लेकर? वो एक नया इनिशिएटिव लिया है हमने, और उसमें धीरे धीरे उसमें गति आ रही है। हमने 70 रुपये किलो के हिसाब से उसमें कहा था कि अगर आप हमको देंगे तो उसको हम खरीदेंगे, और खरीदने के बाद उसका जो इस्तेमाल सड़कों को पक्का करने के निर्माण में हम करेंगे, और उस दृष्टि से कुछ किया है, लेकिन और ज़्यादा उसमें प्रगति हुई है। सर, पिछले कल केंद्र सरकार ने कुछ गाइडलाइंस और जारी की है, जो प्रदेश में लॉकडाउन वन का जो फेज वन शुरू होना है, स्टेट की तरफ से सर कब तक इस पर विचार होगा, चाहे मंदिरों की बात है, होटल की बात है? अभी 8 तारीख के बाद सारे विषय को लेकर के, उन सारी चीज़ों को लेकर के पर्टिकुलरली जो हमारे धार्मिक संस्थाएँ हैं, धार्मिक स्थान हैं, वो अभी तक बंद है। 8 तारीख के बाद उसके लिए जो SOP बना करके हम जो है उसकी तैयारी कर रहे हैं, और उसी तरह से होटल्स और रेस्टोरेंट जो है उसके लिए भी जो है वो आने वाले समय में 8 तारीख के बाद विचार करेंगे, पूरा प्रॉपर जो है जो केंद्र की गाइडलाइंस उनको भी अध्ययन करेंगे, उसके लिए उसके साथ साथ में जो व्यवहारिक होंगी चीज़ें उन चीज़ों को जो अपने प्रदेश के हिसाब से जो व्यवहारिक चीज़ें होंगी उनको करेंगे। थैंक यू। और पर्यावरण की बात कर रहे थे, लेकिन केरला का जो मामला है, एक हाथी वाला वो बहुत पीड़ादायक है, दुर्भाग्यपूर्ण। थैंक यू।